लाइफ में अगर किसी साउंड से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो वो है ये। सुबह 9 बजे इसका मतलब बिग बॉस का जिसने सही से बजाया है वो है पुनीत सुपरस्टार। मेरे को अपनी सेकंड नंबर की रैंक चाहिए, नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस OTT कोई ना देखे भाई, क्योंकि अगर तुमने पुनीत सुपरस्टार के साथ ना इंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा OTT नहीं देखेगा। एक एक हिंदुस्तान के एक एक कोने तक, एक एक कोने तक मेरी आवाज जाएगी, एक एक इतिहास के पन्नों में मेरे डायलॉग लेके जाएंगे, एक एक रिक्शे वाला, रेडी वाला, डेली वाला, दुकानदार, काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला, वो वाला, यहाँ हर जगह पुनीत सुपरस्टार का चर्चा होगा। पहले हफ्ते में ही जो जो चीजें पुनीत सुपरस्टार ने किया मतलब गुरु छा गया। इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि प्लान करके उनको बिग बॉस हाउस से निकाल दिया है, पर इससे क्या उनको कुछ फर्क पड़ता है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आज मैं पुनीत सुपरस्टार के सपोर्ट में एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ मेजरमेंट टेक्निक से। उससे मेरा क्या फायदा? जल्दी जल्दी तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, एक कॉमेंट कर दो #पुनीत सुपरस्टार उनके सपोर्ट में, और पूरा वीडियो देखते देखते आप लोग नीचे कमेंट कर देना कि मैं इस ड्राइंग को कैसे करूं, कलर पेंसिल से, पेन से, या फिर किसी क्रिएटिव वे में आप लोग बता सकते हो। तो चलो अब जो आउटलाइन ड्राइंग है वो अब शुरू करते हैं। सो पूरा जो ड्राइंग है वो मेजरमेंट टेक्निक में मैं करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 200 GSM का पेपर। ओके, तो पेपर साइज है A4, आप लोग कोई भी साइज में कर सकते हो। तो यहाँ पर फंडा यही है, जो आपका रेफरेंस फोटो है उसका साइज़ आपका पेपर के साइज़ में होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास आईपैड है तो बड़ा स्क्रीन है, आप लोग नॉर्मली क्या करो, जो रेफरेंस फ़ोटो है उसे ऐसे प्रिंट कर लो, या फिर लैपटॉप हो तो लैपटॉप के स्क्रीन में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है पूरा रेफरेंस फ़ोटो को, उसको इस्तेमाल करते हुए अब ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करना है, किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग के समय क्या करना होता है, पूरा पेपर को हमें 400 में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर पेपर को 400 में डिवाइड कर लिया, और जो रेफरेंस फोटो है उसे भी आप लोग 400 में डिवाइड कर लेना, पेंसिल से ऐसे डिवाइड कर देना प्रिंट करने के बाद। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज फेस का ऐसे कनेक्ट हुआ है, वहाँ पर टच किया है, वो सारे एरियाज़ को हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस है, कितना लेंथ है, मिडिल से मिडिल का जो डॉट है उससे कितना लेंथ है। तो यहाँ पर देखो, जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैंने ऐसे माप लिया, मतलब एकदम जो बालों का पोर्शन है एंड का वो मैंने माप के ऐसे मार्क दे दिया। सेकेंड यहाँ पर जो फोरहेड का पोर्शन है उसे मैं मार्क ले रहा हूँ, और उसे यहाँ पर जो पेपर है उसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ। सेंटीमीटर में माप लो तो क्या होगा, एकदम परफेक्ट माप आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद आईब्रोज का, उसके बाद लिप्स का, चिन का, डबल चिन का, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सेम जो वर्टिकल लाइन में जहाँ जहाँ पर है रेफरेंस फोटो के ऊपर वहाँ से मार्किंग लो, और वहाँ से यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर ड्रॉ कर दो। तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन में जो जो चीज़ है उसे ऐसे थोड़ा मैं शेप देकर ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि कहाँ पर कौन सा चीज़ें हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन में मैंने किया, सेम चीज़ें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में जो जो है वो मैं थोड़ा ऐसे बेसिक शेप दे रहा हूँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन में भी सेम करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें क्या मिल सकता है, मिल सकता है गालों का चौड़ाई, दोनों साइड में गाल कितने लेफ्ट साइड में और कितने राइट साइड में है, उसे मैंने ऐसे माप लिया सिंपली, और उसे ऐसे मैं पहले तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर ऐसे मार्क करूँगा, उसके बाद उसे यूज़ करते हुए ड्रॉ करूँगा। ऐसे ही आप लोग जितना चाहे, जितना आसान करने का चाहे, उतना ज़्यादा मार्क ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ का, और उसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेज होगा वो है मार्किंग, सेकंड स्टेज में आप लोगों को बेसिक शेप ड्रॉ करना है पूरा फेस का। तो अब देखो, मैं ये सर जो मार्किंग्स है उसे इस्तेमाल करते हुए कैसे जो बेसिक शेप है फेस का वो ड्रॉ करता हूँ, और थर्ड स्टेज में जाके मैं इसमें डिटेलिंग दूंगा। मैं यहाँ पर आईब्रोज के लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपरी एरिया में
हॉरिजेंटली सेम मैंने ऐसे जो नाक कितने ऊपर में होगा वो देखकर उसमें ऐसे हॉरिजेंटली मैं माप ले रहा हूँ। सेम यहाँ पर आइज के लिए भी कर रहा हूँ, हॉरिजेंटली होगा पर थोड़ा वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे भी आप लोग जो बीच का पोर्शन है जहाँ से वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन नहीं गया है वहाँ का भी ऐसे मार्क दे सकते हो। पहले वर्टिकली ऊपर जाओ वर्टिकल लाइन के ऊपर, मैंने वो मार्क पहले कर दिया इतने ऊपर में है आँख, फिर मैंने वहाँ पर ऐसे वर्टिकली आँख कितना चौड़ाई है वो वहाँ पर बिठा कर मैं ऐसे मार्क दे दूँगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब मैं थर्ड स्टेज में जाके फाइनल डिटेलिंग करूँगा। फाइनल डिटेलिंग के पहले आप लोग सब जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है उसका जो लेंथ है वो अच्छे से रेफरेंस फोटो के साथ मैच कर लो, सबका लेंथ परफेक्ट एकदम सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोग जो फाइनल डिटेलिंग है वो दो। जितना लेंथ सेम होगा एक एरिया से दूसरा एरिया का डिस्टेंस सेम होगा तो उतना ही आपका फेस मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ा डिटेलिंग के लिए कुछ शेड्स भी दे रहा हूँ। अब देखो आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट है, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ जो जो पुनीत सुपरस्टार का फेस है उसमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। पहले तो देखो यहाँ पर आँख और जो आईब्रोज है बहुत ही पास होगा और जो यहाँ पर गाल का पोर्शन है वो बहुत ही ऐसे कर्व टाइप का होगा, नीचे डबल चिन होगा, डबल चिन का शेप अच्छे से नोटिस करना। बाल बहुत ही सिंपल है, जो होठ है उसका जो नीचे का होठ है वो थोड़ा ऐसे मोटा होगा और नाक से होठ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फेस का पुणे सुपरस्टार का वो आप लोगों को ध्यान में रखना है ड्राइंग करने के समय, बाकी तो आप लोग मेजरमेंट टेक्निक से देख ही लोगे। सो रेफरेंस फोटो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो ड्राइंग कैसा हुआ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और किस मेथड में आप लोग पूरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट देखना चाहते हो, कलर पेंसिल पेस्टल वाटर कलर नॉर्मल पेंसिल पेन से या फिर ऐसे किसी भी क्रिएटिव चैलेंजिंग वे में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो वो भी मुझे बता सकते हो। सो चलो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।